देश में फैले कोरोना महामारी के चलते संपूर्ण भारत में चल रहे व्यापक लॉकडाउन में प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर तथा जरूरतमंद लोगों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी जरूरतमंद को तकलीफ न होने पाए, इस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवी आदि लोग भी भरपूर तरीके से निभा करके निर्धन तथा असहाय व्यक्तियों की मदद को आगे आ रहे हैं। विकास खंड मिल्कीपुर के ग्राम सभा चिरवाली के निवासी प्रमुख समाजसेवी गरीबों के मसीहा श्री प्रदीप यादव एवं ग्राम पलिया के निवासी श्री सुनील यादव के द्वारा आज डीली सरैया पूरे जोतिया में अग्नि पीड़ित याद अली पुत्र मोहम्मद रजा को राहत सामग्री वितरित की। आपको बताते चलें कि इस घटना को हमारे चैनल ने 18 तारीख को दिखाया था। आग से गृहस्थी जलकर राख, ग्राम प्रधान ने पहुंचाई मदद, जिससे समाज सेवी श्री प्रदीप यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ितों को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, तेल मसाला, आलू टमाटर, नमक आदि खाने का सामान देकर राहत पहुंचाई। राहत सामग्री पाकर जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर संतोष के भाव नजर आए। वहीं ग्राम सभा पलिया में भी समाज सेवी श्री प्रदीप यादव एवं श्री सुनील यादव ने राशन किट वितरित किए। M4U के संवाददाता को श्री प्रदीप यादव ने बताया कि मेरा परिवार हमेशा से लोगों की मदद करता रहा है। उसी परिवार से हमें सीख मिली कि हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हो, चाहे किसी गरीब को हॉस्पिटल ले जाना हो। जब से लॉकडाउन लगा है, शहर से लेकर गांव तक लोगों को खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना, लोगों की मदद करना ही मेरी प्राथमिकता है। अगर किसी के साथ ऐसी बात होती है तो हम लोग हमेशा 24 घंटे उसके साथ खड़े रहेंगे। वहीं समाज सेवी श्री प्रदीप यादव ने सवाल के जवाब में बताया कि सरकार से मेरा कोई लेना देना नहीं है और न ही सरकार से कुछ मिलता है, मैं अपनी कमाई से लोगों की सेवा करता हूं। श्री प्रदीप यादव ने लोगों से अपील की कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, मुंह को ढककर रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अनावश्यक बाहर ना निकलें। वहीं समाज सेवी प्रदीप यादव के साथ समाज सेवी सुनील यादव, शुभम सिंह, लंबरदार आदि लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन शाहरुख सिद्दीकी के साथ मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।